एवरीवन, दिस इज सुशील मौर्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एरा फन। टुडे वी विल स्टडी क्लास 7th मैथमेटिक्स। द टॉपिक इज मेंसुरेशन, यानी कि क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन को हिंदी में क्षेत्रमिति कहा जाता है। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द फोर्थ रेक्टिलिनियर फिगर, दैट इज रोम्बस। ओके, रोम्बस की डेफिनेशन देखिए। आर रोम्बस इज अ टू डायमेंशनल शेप आर फिगर। रोम्बस क्या है? 2D फिगर है। रोम्बस क्या है? टू डायमेंशनल शेप है दैट हैज फोर इक्वल साइड्स, जिसमें चार इक्वल साइड्स होती हैं, चारों साइड की लेंथ इक्वल होती है, एंड अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, और अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। रोम्बस का फिगर आपको दिखाता हूं। रोम्बस जिस तरह से स्क्वायर होता है सेम वैसे ही होता है, फोर साइड होती है, लेकिन ये थोड़ा सा स्लैंट होता है। स्लैंट यानी कि तिरछा होता है रोम्बस, ठीक है। ये आपका रोम्बस है, ठीक है। ये स्क्वायर की तरह है, बस स्लैंट है, ठीक है। इसका नेम रख दिया आपने A B C D। रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होते हैं, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड। साइड ए बी इक्वल टू साइड बी सी इक्वल टू साइड सी डी इक्वल टू साइड ए डी, चारों साइड आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। और अपोजिट एंगल्स, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ये अपोजिट है फ्रंट एंगल से, ठीक है। अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, ओके। ये अपोजिट एंगल बी है और डी, बी और डी आपस में अपोजिट एंगल्स हैं, तो बी और डी आपस में इक्वल होंगे। जितनी मेजरमेंट इसकी होगी उतनी मेजरमेंट इसकी होगी, फाइन। नाउ वी विल स्टडी अबाउट फार्मूलाज रिलेटेड टू रोम्बस। रोम्बस का भी एरिया वैसे ही निकलता है जब बेस और हाइट दिया हो, जैसे कि आपका पैरेललोग्राम का एरिया। एरिया ऑफ अ रोम्बस इक्वल टू बेस इनटू हाइट, सेम एज पैरेललोग्राम। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस, सेकंड फार्मूला क्या है? जब डायगोनल्स दिए हों, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2, वेयर D1 एंड D2 आर द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, दैट इज KC डायगोनल है और BD डायगोनल, ओके। नाउ थर्ड फार्मूला, पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इक्वल टू 4 इंटू साइड, क्योंकि चारों साइड इक्वल होती है, फाइन। पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इक्वल टू 4 इंटू साइड। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन ऑल द फार्मूलाज रिलेटेड टू रोम्बस। द फर्स्ट फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ रोम्बस व्हेन बेस एंड हाइट आर गिवेन, देन एरिया ऑफ अ रोम्बस इक्वल टू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ अ रोम्बस इक्वल टू बेस इंटू हाइट, जब आपका रोम्बस का बेस और हाइट दिया हो उसका एरिया इस फार्मूले से निकालते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू बेस इंटू हाइट। टू अंडरस्टैंड दिस फार्मूला वी विल टेक एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज बेस इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर। एक रोम्बस है जिसका बेस कितना है? 7 सेंटीमीटर है और हाइट 4 सेंटीमीटर है। इसका एरिया फाइंड आउट करिए, ठीक है। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें दिया क्या है, क्या गिवेन है और क्या फाइंड आउट करना है, ये राइट करना होता है, फाइन। तो गिवन क्या है हमें? बेस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड हाइट h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है? एरिया। एरिया इक्वल टू व्हाट? चलिए एक फिगर ड्रा करते हैं रोम्बस का, ठीक है। ये रोम्बस है, ठीक है। इसका नेम A B C एंड D। बेस क्या होता है? ये बेस है आपका AB, ठीक है। बेस कितना है? 7 सेंटीमीटर।
बेस बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये ए बी बेस है 7 सेंटीमीटर गिवन है, और इसकी हाइट क्या होगी, ये स्लैंट हाइट है ठीक है, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ये, तो हाइट मिल जाएगी, हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर ठीक है। इस रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है। नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू बेस इंटू हाइट, फाइन। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ बेस, बेस इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर, 7 × 28, चूंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रोम्बस कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइन। नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू डी 1 इंटू डी 2। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू डी 1 इंटू डी 2, वेयर डी 1 एंड डी 2 आर द डायगनल्स ऑफ रोम्बस ठीक है। टू अंडरस्टैंड दिस फार्मूला वी विल टेक एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सेकेंड, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज डायगनल्स आर 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। एक रोम्बस है जिसके डायगनल 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम वी शुड राइट व्हाट आर गिवन ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले हमें क्या लिखना है, क्या दिया है और क्या फाइंड आउट करना है, फाइन। तो गिवन क्या है, डी वन डायगनल 1 7 सेंटीमीटर एंड डी 2 डायगनल 2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ रोम्बस दैट इज ए इक्वल टू व्हाट ओके। नाउ एक रोम्बस ड्रा करते हैं हम लोग ठीक है, ये रोम्बस ड्रा कर लिया, ए बी सी डी। इसका फर्स्ट डायगनल कितना है, 7 सेंटीमीटर, दैट इज बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और सेकेंड डायगनल ए सी क्या है, 8 सेंटीमीटर ठीक है। इसका एरिया फाइंड आउट करना, एरिया इक्वल टू व्हाट। नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू डायगनल 1 डी 1 इंटू डायगनल 2 डी 2, फाइन। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डायगनल्स, डी 1 की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, डी 1 की प्लेस पे 7 सेंटीमीटर, एंड डी 2 की वैल्यू क्या है, 8 सेंटीमीटर, डी 2 के प्लेस पे 8 सेंटीमीटर। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8 ठीक है। 1 × 7 = 7 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, 7 × 4 = 28 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर पावर 2, सेंटीमीटर 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 पावर 2, क्योंकि एरिया है, एरिया का यूनिट किस में आता है, स्क्वायर यूनिट में ठीक है। एरिया क्या मिल गया, 7 × 4 = 28 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है, फाइन। नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड फार्मूला रिलेटेड टू रोम्बस, दैट इज हाउ टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस। पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इक्वल टू 4 × साइड। रोम्बस का भी पेरीमीटर स्क्वायर की तरह निकाला जाता है, क्योंकि सारी साइड इक्वल होती है, बस स्लैंट होती है, फाइन। पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इक्वल टू 4 × साइड। टू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस वी विल टेक एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल थर्ड, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 11 सेंटीमीटर। एक रोम्बस है जिसकी साइड कितना है,
11 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये साइड 11 सेंटीमीटर है, तो ये भी 11 होगी, ये भी 11 होगी, ये भी 11 होगी, क्योंकि आपका रोम्बस है, रोम्बस की प्रॉपर्टी है कि चारों साइड इक्वल होती है। नाउ सॉल्यूशन देखिए, ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ रोम्बस ए इक्वल टू व्हाट, साइड ऑफ रोम्बस कितना दिया है, साइड इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, फाइन। नाउ अप्लाइंग द फार्मूला, पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इक्वल टू 4 इंटू साइड। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइड, 4 इंटू साइड कितना है, साइड के प्लेस पे 11 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये साइड है। नाउ 11 फोर जा 44 सेंटीमीटर, पेरीमीटर कितना आ गया 44 सेंटीमीटर, फाइन।